गाजीपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र तहसील सदर के ग्राम बायापुर देवकली का राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी व राज्य मंत्री शिक्षा विभाग भारत सरकार द्वारा बाढ़ ग्रस्त का स्थलीय निरीक्षण के दौरान बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री का किया वितरण और संबंधित अधिकारियों को दिया गया आवश्यक दिशा निर्देश। देखिए खबरें आज भी के लिए, जनपद गाजीपुर से इजार खान की रिपोर्ट। अच्छा ठीक, और किसके घर पानी गया? आपका भी घर पानी गया? कितने लोग हैं आपके परिवार में? अच्छा यहाँ पर ठीक है, और बताइए जानवर भी हैं आपके? कितने? दो जानवर हैं। उनके लिए भूसे वगैरह है? भूसा नहीं है? क्या खिला रहे हैं? अभी भूसा पहुंच जाएगा, ठीक है। अच्छा खाने पीने के लिए खाद्यान्न? श्याम नारायण हम हट जाइए भैया। मनोज किंत उपस्थित हमारे जिलाध्यक्ष और सभी पदाधिकारी, सभी सम्मानित साथी, आज आप लोगों के बीच आने का मकसद आपकी जो समस्या है उसको देखना भी है, और निश्चित रूप से बाढ़ से बहुत सारा गांव प्रभावित हुआ है, और शासन की ओर से कि कैसे आपको पूरी तरह से सुविधा पहुंचाई जा सके ये प्रयास है। राज्य सरकार से भी काफी प्रयास किया जा रहा है, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी भारत सरकार की भी ये इच्छा है कि जहां भी बाढ़ प्रभावित परिजन है उनको हर तरह की सुविधा दी जाए, उन्हें किसी की तरह की परेशानी ना हो। खास करके ऐसे अवसर पर इंसान कहीं ना कहीं अपना जगह ढूंढ लेते हैं, लेकिन जानवर के लिए, पशुओं के लिए काफी परेशानी होती है। पशु चारा की भी दिक्कत होती है, पशुओं को रखने की भी समस्या होती है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए शासन के द्वारा ये तय किया गया है, कई जगह बाढ़ राहत केंद्र भी बनाए गए हैं, शिविर बनाए गए हैं ताकि शिविर में आके लोग रहे, बगल में जानवर के भी रखने की भी व्यवस्था है उनको, जहाँ जहाँ अगर कोई दूसरे अपने जगह पे शिफ्ट कर लिए हैं, किसी परिजन के यहाँ को चले गए हैं या बगल के गांव में गए हैं, तो उनके लिए भी व्यवस्था है कि उनको भी वहाँ पर खाद्यान्न के साथ साथ पशुओं के चारे की भी व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है। अभी डीएम साहब आपको बता ही रहे थे कि जहाँ पर भी इस तरह की दिक्कतें हैं वो अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हर जगह राहत सामग्री के साथ साथ पशुओं के चारे की भी व्यवस्था की जाए। तो पूरी तरह से सरकार कटिबद्ध है कि जो भी बाढ़ पीड़ित परिजन है, जो भी बाढ़ से प्रभावित गांव है, वैसे गांवों में हर तरह की सुविधा, हर तरह की व्यवस्था मुहैया कराई जा रही है। और अगर आप लोगों को कहीं कोई परेशानी होगी तो आप लोग चूंकि प्रधान जी भी है, गाँव के भी सभी लोग हैं, तो आप अपनी जानकारी भी दें, जो समस्या है उसके बारे में आप बताएंगे तो निश्चित रूप से उस समस्या का भी समाधान किया जाएगा। तभी यही हम चाहेंगे, टीम है, एसपी है, जिले के सभी पदाधिकारी हैं कि किसी भी तरह की कोई समस्या बाढ़ पीड़ित ग्रामीणों को ना हो, इसकी समुचित ध्यान आप सभी को रखना है।
जहाँ कहीं भी इस तरह की अगर जानकारी मिल सके प्रधान के माध्यम से हो या सीओ वीडियो है उनके माध्यम से, वो भी लगातार वैसे जगहों की समीक्षा करे, कौन कौन बाढ़ पीड़ित परिजन है और उन परिजनों को वहां तक राहत सामग्री पहुंचाई जाए ताकि उन्हें किसी तरह की समस्या ना हो